सो हेलो गाइस, किस सभी लोग वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप 5 गेम्स ऑफ स्पाइडरमैन फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस डिवाइस। और इन सारी गेम्स के ग्राफिक्स एंड कंट्रोल्स आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर जो गेम आता है वो है स्पाइडर फाइटर 3। ये गेम आपको सच में स्पाइडरमैन वाली फील देने वाला है, क्योंकि आप इस गेम में वो सारी चीजें कर सकते हो जो स्पाइडरमैन करता है। आपको इस गेम में ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको वेब शूटर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जिससे आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो। और साथ ही साथ आपको बहुत सी एबिलिटीज भी देखने को मिलने वाले हैं, जिससे आप अपने दुश्मनों के साथ लड़ सकते हो। गेम में आपको बहुत सारे मिशन भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको फाइट करना पड़ता है और मिशन को कंप्लीट करना पड़ता है। गेम के जो ग्राफिक्स है वो भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं, और गेम के जो ग्राफिक्स है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाले हैं। ये गेम आपको सिंगल प्लेयर मोड में देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस गेम की साइज की बात करें तो इस गेम की साइज आप 126 MB देखने को मिल जाती है। एंड गेम पूरी तरह से ऑफलाइन रहने वाला है। तो अगर आपको इस गेम को ट्राई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से इस गेम को चेकआउट कर सकते हो। तो यार, हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर जो गेम आता है वो है मार्वल फ्यूचर 5। इस गेम में आपको स्पाइडरमैन के साथ ही साथ बहुत से अलग अलग सुपर हीरोज भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक विडो वगैरह वगैरह। इस गेम में आप इन सारे सुपर हीरोज के साथ खेल सकते हो। आपको इस गेम में 200+ कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, जो कि मार्वल यूनिवर्स में अवेलेबल है। गेम में आपको सभी कैरेक्टर्स के एबिलिटीज यूज कर सकते हो। आपको गेम में स्पाइडरमैन के साथ स्पाइडर वुमन भी देखने को मिलने वाली है, और साथ ही साथ आपको इस गेम में मार्वल के जो विलन है वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। गेम में अभी रिसेंटली वर्ल्ड बॉस कैंग द कॉन्करर भी ऐड किया गया है। गेम में आपको एनिमेशन एंड कट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जो ग्राफिक्स एंड कंट्रोल्स है वो भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इस गेम को आप सिंगल एंड मल्टीप्लेयर दोनों ही मोड में प्ले कर सकते हो। अगर हम इस गेम की साइज की बात करें तो इस गेम की साइज आपको 92 MB देखने को मिलने वाली है, एंड गेम ऑनलाइन रहने वाला है। तो अगर आपको इस गेम को ट्राई करना है तो गेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से इस गेम को चेकआउट कर सकते हो। तो यार, हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर जो गेम आता है वो स्पाइडर गर्ल। बेसिकली यह गेम स्पाइडरमैन का कॉपी गेम रहने वाला है। इस गेम में आपको कई अलग अलग लेवल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको पार करने के बाद आप अपनी लोकेशंस को अनलॉक कर सकोगे। गेम में आपको कई अलग अलग कैरेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं, और उनके आपको अलग अलग एबिलिटीज भी देखने को मिल जाती है। गेम में आप अपने कैरेक्टर को फुल्ली कस्टमाइज भी कर सकते हो। इस गेम के जो कंट्रोल्स है वो भी आपको बहुत ही स्मूथ देखने को मिल जाते हैं। आपको इस गेम में बहुत ही हाई ग्राफिक्स देखने को मिलने वाला है। गेम रहने वाला है ऑफलाइन। गेम की साइज रहने वाली है 200 MB। अगर आपको इस गेम को ट्राई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से गेम को चेकआउट कर सकते हो। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर जो गेम आता है वो है मार्वल स्ट्राइक फोर्स। इस गेम में आपको स्पाइडरमैन के साथ साथ ओवरऑल 200+ कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं। इस गेम में आपको अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हो। एक्रॉस इस गेम में आप अपने सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटीज को यूज कर सकते हो, पर मुझे पर्सनली डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आप इस गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी एबिलिटीज को यूज कर सकते हो। गेम रहने वाला है फुल्ली ऑनलाइन, एंड गेम की साइज रहने वाली 88 MB। तो अगर आपको इस गेम को ट्राई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से गेम को चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर जो गेम आता है वो स्पाइडर फाइटर 2। इस गेम में आपको बहुत सी विलन्स देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आपको फाइट करना होता है। साथ ही साथ आपको इस गेम में बहुत सी एबिलिटीज भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप यूज कर सकते हो। इस गेम में आपको एनिमेशन एंड कट भी देखने को मिल जाते हैं। इस गेम में आपको एनिमेशन एंड कट्स बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। गेम के जो ग्राफिक्स है वो भी आपको बहुत ही हाई एंड देखने को मिलने वाले हैं, एंड जो कंट्रोल्स है वो भी आपको बहुत ही ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल गेम बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाला है। अगर हम इस गेम की साइज की बात करें तो इस गेम की साइज आपको 143 MB देखने को मिल जाती है। गेम रहने वाला है पूरी तरह से ऑफलाइन। तो अगर आपको इस गेम को ट्राई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से इस गेम को चेकआउट कर सकते हो। तो यार, यही थे आज की इस वीडियो के टॉप 5 गेम्स। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।